शांति समिति की बैठक संपन्न। सेवहारा थाना प्रांगण में आज होली के पर्व पर एक शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सपा जिला सचिव राजपाल प्रजापति ने कहा कि आने वाले पर्व पर हम सभी को मिलजुल करके होली के त्योहार को गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मनाना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिस किसी दूसरे को आहत हो। मैं सभी देशवासियों को होली की शुभ मंगलवार कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बैठक की अध्यक्षता धामपुर मुख्य अतिथि धामपुर सीओ साहब थाना सेवहारा के निर्देशन में व्यापार मंडल के प्रदेश सह महामंत्री अरुण कुमार वर्मा यह संचालन में संपन्न हुई। बैठक में ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट एहसान साहब, एडवोकेट महफूज साहब, महफूज गाजी, डॉक्टर विनीत देवरा, डॉक्टर जावेद साहब, मुकेश रस्तोगी, मनोज भटनागर, न्यू जोशी, अरविंद बाल्मीकि, राहुल मिगलानी एवं ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे। सुगम समाचार से नितेश कुमार की रिपोर्ट। जो वर्तमान प्रदेश चल रहा है उसमें हम एक समय से रांची तमाम तरीके जो चीजें चल रही है उसको लेकर थोड़ा सा आपसी भाईचारा जो है हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है। जैसे दिल्ली में हमने एक दो जगह हमने पूरी हमारे यहाँ भी पिछले तकलीफ पर हुई थी, कभी नेपाल में नगे में दो तीन जगह कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, नेपाल से दोनों हो गया पूजा होती। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुशहारा जो है संभाल बुद्धिजीवी और यहाँ का जो शहरी है कुशहारा का और बिहार का जो प्रदेश है वो बखरे के पास है। उन्होंने किसी भी ऊषण परिस्थिति में ली किसी भी प्रकार का माहौल चौधरी जिसमें कभी भी रहा है पैसा भी रहा है, लेकिन यहाँ सबने आपसे भाईचारे का और ज्यादा मजबूत पैगाम दिया है और वो पूरे देश में और पूरे हमारे जनपद के सामने है। आगे का संसद है जहाँ भी हमारे पुलिस प्रशासन की होती है तमाम अधिकारी सुहारा की जनता का वो आपसे भाईचारा और यहाँ का वातावरण आपसे सद्भाव एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है उसकी हमारे अधिकारी ही मिसाल देते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए